Hello and good morning all of you. Welcome to Alfaiyas Academy's agriculture series. We are beginning this series from today onwards, and this is the first lecture. And today we shall be giving you just the introduction of the agriculture sector. Why is it needed? What is its importance in the Indian economy? And you know, basically the impact of globalization on agriculture, then the key trends, then what are the problems, what is the importance, है ना, growth कैसे रही है, कैसे agriculture sector जो बड़ा हुआ या कैसे उसकी जो है evolution रही है. तो basically thank you all of you for joining us, and if you have any suggestions or anything by which we can make our videos more interactive, and if you want us that we should come with face or without face, you can always tell us in the comment box, because we are also experimenting. It is our experiment with the startup. So basically beginning for the day. Now let's have an overview of the agriculture. कि agriculture है क्या basically? तो उसमें बहुत सारे parts होते हैं, है ना. आजकल जो है basically नए नए areas भी आ गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं अडॉप्ट भी नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई जो फील्ड्स हैं उसको एज अ करियर भी चुन रहे हैं, ठीक है. तो आप लोग भी चुन सकते हैं. जैसे जो नए एरियाज आए हैं वो है एरोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स. तो बेसिकली एरोपोनिक्स क्या होता है कि आप जो है एयर या मिस्ट इन्वायरमेंट में पौधा उगाते हैं एयर की मदद से, या हल्का सा मिस्टी रहता है वो, ठीक है. देन हाइड्रोपोनिक्स में देखो सॉइल का इस्तेमाल नहीं होता है. हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में सॉइल का इस्तेमाल नहीं होता है. हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली आप पानी को क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट जो उसका बेस होता है, पानी में थोड़ा न्यूट्रिएंट मिला देते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली किसको, प्लांट को जरूरत होती है, उसको आप मिला देते हैं पानी में, और देन उस पानी को छोड़ा जाता है और उसमें ही पौधा उगता है ना. बेसिकली ये वर्टिकल फार्मिंग का एक पार्ट है ना. अभी तो फार्मिंग कैसे होती है, सीधा लैंड्स पे होती है. बट देन आप सोचो कि आप एक कमरा, एक दीवार है, इस दीवार पे हमने ऐसे ऐसे पौधे लगा दिए हैं, ठीक है, और ये उग रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल फार्मिंग. तो बेसिकली शुरू से स्टार्ट करते हैं तो सिल्वीकल्चर होता है. सिल्वीकल्चर किससे डील करता है, फॉरेस्ट ट्रीज से. देन सेरीकल्चर होता है. सेरीकल्चर किससे डील करता है, इट डील्स विद द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, है ना, विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, सिल्क जिससे बनता है. देन एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर किससे बनता है, हनी बी कॉलोनीज, हनीज, है ना, हनीज जो होती हैं, मतलब मधुमक्खी पालन सुना होगा आपने, तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं. देन ओलेरीकल्चर क्या होता है, बेसिकली ओलेरीकल्चर क्या होता है, नॉन वुडी हर्बेशियस प्लांट से डील करता है, उनके ग्रोथ से, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स उगा लिया आपने, ठीक है. देन विटीकल्चर आपका ग्रेप से डील करता है ना, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. देन फ्लोरिकल्चर देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स हो गया आपका, आपका बेसिकली ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं गार्डन्स में, नर्सरी में, वो फ्लोरिकल्चर डील करते हैं. देन अर्बोरिकल्चर में आपका आ जाता है वुडी प्लांट्स, ठीक है, ये किससे डील करता है, वुडी प्लांट्स से, ठीक है. राइटिंग के लिए वेरी सॉरी, हम लोग उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. आपके पास कोई सजेशन हो तो बताएं, हम लोग बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. राइटिंग मेरी इतनी ख़राब है नहीं जितनी इस पेन टैप से आती है. देन पोमोलॉजी एक्चुअली फ्रूट्स से डील करता है, ठीक है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है. देन जियोपोनिक्स देखो एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स क्या था, एरोपोनिक्स था कि एयर में या मिस्टी इन्वायरमेंट में पौधा उगाया जाता, हाइड्रोपोनिक्स है कि पानी के मीडियम क्या है, पानी है उसमें कि आपने न्यूट्रिएंट मिला दिए हैं और आप जो है उसमें पौधा उगा रहे हैं. देन जियोपोनिक्स में क्या होता है, नॉर्मल सॉइल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सॉइल के इस्तेमाल में ही आप उगाते हैं. देन अगला टॉपिक देखते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया. देखिए एक स्टोरी से समझते हैं इसको. बेसिकली अगर हम 1947 से पहले की बात करें, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो बेसिकली इंडिया की जो इकनॉमी थी वो लार्जली सब्सिस्टेंस मतलब कि लोग बस अपना उगाते थे और सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कि दो वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए, बेसिकली एग्रीकल्चर उस लाइन्स पे किया जाता था. बट देन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया, क्योंकि हमारे पहले खाने की जिम्मेदारी हम किसकी देख रहे थे, ब्रिटिशर्स के. बट 1947 के बाद क्या हुआ, हम आज़ाद हो गए तो हमें क्या लगा कि यार हमें तो अपना खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, और खाना तो हम लोग बहुत कम उगाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमें खाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. हमें जो है कैश क्रॉप्स की जगह, देखो कैश क्रॉप्स क्यों उगाते थे, बेसिकली कॉलोनियल टाइम्स में हम लोग कैश क्रॉप उगाते थे. कैश क्रॉप्स क्यों उगाते थे कि जो है उसमें ब्रिटिश इंटरेस्ट है, ठीक है. कॉटन उगाते थे बहुत ज़्यादा, कॉटन क्या एक टाइप का कैश क्रॉप है,
ठीक है। उससे क्या होता है, ब्रिटिश इंटरेस्ट सब होता था भाई, कॉटन हम लोग यहाँ से बेचते थे, वो वहाँ से कपड़े बना के भेजते थे, वही कपड़े जो है हम लोग खरीदते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या बन गए थे, उनकी कॉलोनी बन गए थे, एक उनका रॉ मटेरियल सप्लाई करने की कॉलोनी बन गए थे, ठीक है। तो लेकिन हमें उसके बाद लगा कि यार कैश क्रॉप्स, हमें फूड क्रॉप्स बनाने, देन इंटेंसिफिकेशन करना है क्रॉपिंग का, कि भैया देखो यार ज़्यादा खाना उगाओ, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। जो कल्टीवेटेड एरिया था वो बड़ा कम था जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, तो कल्टीवेटेड एरिया बढ़ाना था, ठीक है। तो ये सब हुआ, बट देन होता क्या है कि सोने दो प्रोग्राम रोल आउट कर दिए हमने उसके लिए। दो प्रोग्राम हमने कौन से रोल आउट किए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, बेसिकली कि हाँ यार चलो जो है एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा देते हैं। बट देन प्रॉब्लम क्या हुई, 1960s में एक दिक्कत आ गई, ड्रॉट्स आ गए। हमने कहा यार लो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बट देन उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दी, ठीक है। देन हमारे पास क्या हुआ कि हमने उस टाइम इम्पोर्ट किया वीट और राइस का, जैसे जैसे खाना खाया चलाया देश को, ठीक है। देन हमने देखा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, फिर हम लोग लाए HYV सीड्स, दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो बेसिकली जैसे वीट कहाँ से आई, वीट की वैरायटी उस टाइम मैक्सिको से आती थी, ठीक है, और राइस की वैरायटी कहाँ से आती थी, फिलीपींस में बड़ा अच्छा राइस उगता है भाई, ठीक है, फिलीपींस से आती थी, ठीक है, फिलीपींस से, ठीक है। तो राइस हमने आए, तो ये क्या थे एग्रीकल्चरल HYV सीड्स से। अभी आप देखो कि कैसे एवोल्यूशन होगा, और आगे चल के यही अब जो है घातक भी बन जाएगी थोड़े दिनों बाद, जब हम अब 20th सेंचुरी में आएंगे, सॉरी 21st सेंचुरी में आएंगे, 2010, 20, 22 की बात करने लगेंगे, ठीक है। तो अभी क्या, हम लोग 1960 में चल रहे हैं, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गई भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। अब दबा के पंजाब हरियाणा में तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशन का फायदा हुआ पंजाब के फार्मर्स को हुआ, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम बेसिकली ये कहा जाता था कि पंजाब ही पूरे देश को खाना खिलाता है, पर इतना वो लोग उगाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, मस्त मज़े आ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेल्फ रिलायंट बन गए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, हमें ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट देन हुआ क्या कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी ये कुछ ही एरियाज तक सीमित रह गई। अब जब वो कुछ एरियाज तक सीमित रहेगी तो रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो गई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भाई, कुछ एरियाज में, नदन एरियाज में, एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा भाई, उस टाइम क्या होता था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो पर कैपिटल इनकम जो थी पंजाब की बहुत हाई चली गई, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी पैदा हो गई, फार्मर्स की इनकम में डिस्पैरिटी पैदा हो गई 1970s के दौर में, ठीक है। तो ऐसे करके डेवलप हुआ, फिर 2022 में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आगे क्या आगे कहानी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। देन हमने ऐसी डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बना रखा है। अब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है पार्ट है आपका नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का भी, ये हमने इन्वायरमेंट की सीरीज में आपको बताया था ना, 8 प्रोग्राम्स थे, उसमें से एक जो था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था। तो कोई इसमें 2-3 बातें गई, उन्होंने कहा कि जो आपको एग्रीकल्चर बनाना है वो प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। आप अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाएं, आप अपने एग्रीकल्चर को ऐसा बनाएं कि सस्टेनेबल रहे, सस्टेनेबल बनाएं कि भाई जो अपॉर्चुनिटी, जो समस्याएं आने वाली हैं उसको वो आज आज ही आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। देन रिन्यूमरेटिव बनाएं भाई कि जो लोग खेती करें उसको पैसा तो मिले, 2 पैसे तो बचें, वो अपना जीवन ढंग से व्यापक, उसका जो जीवन है वो ढंग से चले, चल सके, अच्छा चल सके। भाई आज आप देखते हैं कि जो फार्मर्स की कंडीशंस है, वो कंडीशन है वो आज भी बहुत ख़राब है भाई, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी ख़राब थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो घर बहुत ही ख़राब थी, बट देन जो इम्प्रूवमेंट हुई है 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, जो ऑन अ स्केल ऑफ परसेंटेज टर्म्स में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो बड़ी कम है, आज भी रिन्यूमिनेटिव नहीं है भाई। आप लोग ये जो लेक्चर देख रहे हैं, तो सारे जितने भी लेक्चर देखेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो खेती करता होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिन्यूमिनेटिव थिंग, पैसा नहीं आता है। बट देन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, मैं बोलता ना आगे की कहानी आपको बाद में सुनाएंगे, ठीक है। देन एग्रीकल्चर हमें कैसे बनाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, और एग्रीकल्चर करते हुए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है, कंजर्व करना है, और भाई अब कंजर्व करना है, फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करना है, केमिकल्स का कम इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है तो ऑफकोर्स हमें कोई प्रोग्राम या स्कीम बनानी पड़ेगी, तो हमने 2 स्कीम बना दी उसके लिए, एक हमने बनाई परंपरागत कृषि विकास योजना और एक बनाई हमने राष्ट्रीय विकास योजना, ठीक है, 2 हमने स्कीम बना दी। देन ग्रोथ देख लेते हैं, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, भाई कैसे ये कंट्रीब्यूट हो रहा है या कंट्रीब्यूट कर रही है टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर आउटपुट के ग्रोथ में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि आपकी जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, आपकी यील्ड बढ़ गई, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग राइस, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में उगाने लगे, ठीक है। देन एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हुआ टेक्नोलॉजी के चलते, भाई पम्प्स आए, ठीक है, पानी कैनाल्स बन सके, पम्प वाटर पम्प किया जा सका, ठीक है, नेट इरीगेटेड एरिया बढ़ गया जिसके चलते हमारा। देन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, दो की ये बड़ी एक्सपेंसिव थी, बट देन
इसने जो था आउटपुट बढ़ाया, ठीक है। फर्टिलाइज़र का भाई अभी हम लोग 60s की बात कर रहे हैं, आज जब आप सोचेंगे तो फर्टिलाइज़र ख़राब था, बट देन जब लोग हमारे पास खाने के लिए नहीं था ना तो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे लगते थे, केमिकल्स बड़े अच्छे लगते थे। तो बेसिकली वो जब मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई उस समय पे 1960s-70s के टाइम पे, तो जो कंजम्पशन था फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, वो लगभग लगभग 15 times बढ़ गया, 16 times बढ़ गया, ऐसे बढ़ा, ठीक है। 1970s की में वो 1960 के मुकाबले लगभग लगभग 15% बढ़ गया था, ठीक है। देन ये तो बात थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। फिर हमने एक चीज़ बनाई हुई है, फार्मर पोर्टल ऑफ इंडिया। भाई फार्मर पोर्टल ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, एक पोर्टल बना दिया हमने कि फार्मर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम उसको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर स्टोरेज से रिलेटेड हो, क्रॉप से रिलेटेड हो, एक्सटेंशन एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, सीड से, पेस्टिसाइड से, फार्म मशीनरी से, कुछ भी हो, हम लोग एक क्या करते हैं, एक हैंडबुक दे देते हैं उन्हें, उन्हें सिखाते भी हैं, वहाँ से आप हैंडबुक भी डाउनलोड कर सकते हो। जो स्कीम्स आई हैं फार्मर्स के लिए आप वो भी वहाँ से पढ़ सकते हो, बट देन फार्मर्स आपको लगता है क्या पता कि वो पोर्टल पर जाकर पढ़ पाते होंगे, नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। देन इसीलिए जो ज़मीन पे काम करना फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत में। देन अगर हम बात करें कि भाई एग्रीकल्चर का रोल है क्या इंडियन इकोनॉमी में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी 4-5 फैक्टर्स हैं। देखो भैया, एक तो क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP की बात करता हूँ मैं, अगर पहले तो 2020-21 का एक डेटा है वो हमें बताता है कि लगभग लगभग 20.2% जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 20 इंडिया की GDP में 100 रुपये में से जो 20 रुपये है वो एग्रीकल्चर सेक्टर अकेले प्रोवाइड करता है, आप देख रहे हैं। देन मैं आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, तो मैं अगर आपको बताऊँ लगभग लगभग 56.7% जो लोग कंट्री की वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब ये बहुत बुरी बात भी है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं, पहले एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ रहती हैं, देन वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनते हैं, देन वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो हमने टाप ही दिया, हम लोग सीधा सर्विस सेक्टर में आ गए, अब वही हमारे लिए बहुत घातक भी बन रहा है। 56.7% लोग अभी भी अपने जीवन व्यापन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और उसमें से मैं आपको बताऊँ, अगर मैं रूरल हाउस होल्ड्स की बात करूँ तो लगभग लगभग 70% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो देन चलो बट देन वो तो मैंने आपको नेगेटिव वे से बता दिया, बट 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहा है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव वे से देखना है हमें यहाँ पे, कि वो लगभग लगभग 70% दे रहा है आज भी। देन कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं होती है, एग्रीकल्चर में आप हॉर्टिकल्चर भी करते हो, आप एनिमल हस्बेंड्री भी करते हो, आप डेयरी भी लगाते हो, आप फिशरीज भी करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, अलाइड एक्टिविटीज़ होते हैं ना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स होते हैं ना, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि आपने धान उगा लिए या गेहूँ उगा ली और वो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी होलिस्टिक टर्म, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स कैसे हुआ भाई, ये सब एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी हुई, फिशरीज हुई, तो ये क्या हुआ कि आपने जब उसका उत्पादन बढ़ा, तो उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ कि भाई आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े, जब एक्सपोर्ट्स बढ़े तो सोशल डेवलपमेंट हुआ। भाई सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ, भाई लोगों को रोज़गार मिला, नई नई फील्ड्स डेवलप हो गई, हॉर्टिकल्चर आ गया, कुछ लोग डेयरी लगाने लगे, भाई वाइट रेवोल्यूशन आ गई आपकी। भाई वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है, मिल्क के लिए तो है, मिल्क किसके अंडर आता है, एग्रीकल्चर के अंडर, एक टाइप की एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में उसने कंट्रीब्यूट किया। भाई जब आप पहले तो सबसे जो बेसिक नीड है वो तो खाना है, खाना ही नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हमने दो हेड्स के अंदर उसको हम फूड सिक्योरिटी को डिवाइड कर लेते हैं, एक बफर स्टॉक है, भाई मान लिया खुदा ना खास्ता ड्रॉट आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो जो हमारा FCI है, FCI के गोडाउन देखे होंगे आपने, भरे हुए रहते हैं पूरे साल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, उनका काम क्या है कि बफर स्टॉक मेंटेन करना। देन आपने किरान जो आपके सस्ते गल्ले की दुकान होगी, एक काले सी ब्लैक पे वाइट लिखा हुआ होगा, वो क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपके, कि गरीब व्यक्ति जो है वो भूखा ना सोए। भाई सरकार का एम ये है कि ठीक है, हम बहुत अच्छी आपको लेविश लग्जूरियस लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट देन हम आपको जो आपका राइट टू फूड है या राइट टू फूड सिक्योरिटी है उस वो तो प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो कैसे कर रहे हैं आप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के साथ, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं।
तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैं यह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लगभग इरिगेशन से हम सिर्फ 33% पानी लेते हैं, बाकी जो आता है ये मानसून से आता है। और जिस साल साउथ वेस्ट मानसून फेल हो जाता है ना बॉस, उस दिन तो मतलब इंडिया के एग्रीकल्चर की लंका ही लग जाती है, बहुत प्रोडक्टिविटी गिरती है, मतलब लोग परेशान हो जाते हैं उस साल, फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है, फार्मर सुसाइड बढ़ जाते हैं। तो वो जो हमारी डिपेंडेंस है मानसून पे वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करते हैं हम लोग टाइम टू टाइम, कि पानी जहाँ सरप्लस में है जिस एरिया में, वहाँ से जो है भारत का जो रीजन जहाँ पे कि पानी डेफिसिट में है वहाँ पहुँचाया जा सके। देन लो प्रोडक्टिविटी है यार, क्या होता है कि मान लिया यहाँ पे हम लोग एक हेक्टेयर या एक बीघा में, एक एकड़ में मान लिया, एकड़ सब पता है, हेक्टेयर और बीघा किसी को पता नहीं होता, एक एकड़ में बेसिकली हम लोग मान लिया अगर मैं एक टन गेहूं उगा रहा हूँ, आप अमेरिका जापान जाओगे पता लग रहा है वो एक एकड़ में 4 से 5 टन गेहूं उगा रहा है। तो बेसिकली क्या है, प्रोडक्टिविटी हमारी लो है, ठीक है। देन फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड का कंस्ट्रेंट है, डेट में बहुत ज़्यादा है फार्मर्स, जिसके चलते फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई डेट में क्या है कि भाई आपने, अब फार्मर कोई बहुत रिच प्रोफेशन तो है नहीं कि उसके बाद लाख 2 लाख 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसने इन्वेस्ट कर दिया, भाई पैसे से पैसा बनता है, सिंपल सी थ्योरी है। अब उसके बाद 4-5 लाख तो पड़ा नहीं अकाउंट में कि बेसिकली वो आए और सीधा उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो तो भैया लोन लेता है बैंक से, फिर अपना बीज खरीदता है, फर्टिलाइज़र खरीदता है, खेती करता है, खेती अच्छी हो गई तो 2 पैसे उसको बच जाते हैं, खेती ख़राब हो गई, मानसून नहीं आया, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो भैया उसके वो पैसे भी जाते हैं। और क्या होता है, अब वो फिर डेट पे करने के लिए किसी मिडल मैन के पास चले जाता है, मिडल मैन शर्त कैसा रखता है, भाई 5% लूँगा। वहाँ जहाँ बैंक उसको 3% सालाना पे देता है, मनी लेंडर वाले 5% पर महीना पे दे रहे हैं। तो बेसिकली देखो कितनी इंडेबटेडनेस है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि वो विशियस साइकिल में फंस जाता है। देन लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है इंडिया में, आज भी जमींदारी सिस्टम बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश में आपके पास 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, महलवाड़ी, रायतवाड़ी एंड जमींदारी। भाई ज़मींदारी तो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था, आप जो उगाएंगे उसमें से 1/11 हिस्सा आप रखेंगे और 10/11 हिस्सा या 10/11 पार्ट जो है आप ज़मींदार को दे देंगे। कितना ख़राब, कितना एक्सप्लॉयटेटिव वो था भाई। और वही इसको चेंज भी नहीं किया गया, बेसिकली दुख की बात यह है कि इसको चेंज भी नहीं किया गया क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी दो की लैंड ज़मींदारी सिस्टम को हटाने की बहुत कोशिश हुई है ना, आपको पता ही कि 9th शेड्यूल में डाल दिया, उसके जितने भी लॉज थे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा। बट देन देखो आप लॉज बनाना एक अलग बात होती है, आप उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो वो एक अलग बात है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी स्टेट्स जो थे, क्योंकि ज़मींदार जो आज भी आप देखेंगे अगर आप रूरल भारत में चले जाएंगे तो ज़मींदार जो हैं एक टाइप का प्रेशर ग्रुप है, वो आज भी जो ग्रामीण भारत है उस पर रूल करते हैं, ठीक है। और उनकी आज भी चलती है, और आज भी आप कहीं कहीं जाएंगे तो वो ज़मींदारी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। दो की अब हट रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, बट देन टोटली एलिमिनेटेड नहीं है। और मैं तो आज 2022 की बात कर रहा हूँ, आज से पहले आप सोचो 20-30-40 साल पहले क्या हालत रही होगी। तो लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाई, कंसोलिडेशन नहीं हो पाया लैंड का, ठीक है। देन अगर मैं लैंड से ही बात करूँ तो अब क्या हुआ, मान लिया आपके दादाजी थे, ठीक है, आपके दादाजी के थे 4 बच्चे 4 बेटे, ठीक है, अब इनके आगे 2-2 बेटे हो गए, ठीक है। तो बेसिकली आपके दादाजी के पास कितनी बिगे लैंड थी, 100 बीघा लैंड थी, ठीक है, सब कुछ 25-25 बढ़ गई 4 बच्चों को। अब जो आप आ गए तो अब कितनी बीघा रह गई, 12.5-12.5 बीघा। तो जब तो आपके ग्रैंडफादर खेती करते थे 100 बीघा लैंड में, तो उस टाइम हो सकता है उन्हें बहुत कुछ प्रॉफिट हो भी जाता हो, 2-4 पैसे बच भी जाते हो। बट देन आप खेती कितने में करोगे, आपके पास तो कितना लैंड है, 12.5 बीघा या 12.5 एकड़, उसमें क्या खेती करोगे और क्या बचा लोगे आप, कुछ नहीं, क्योंकि जितनी छोटी लैंड होती है उतना प्रॉब्लम हो जाता है उसमें काम करना और उससे प्रॉफिट निकालना। तो लोग क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं, भाई छोड़ो नहीं करते हम लोग, ठीक है। देन लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन है, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन आज भी सस्टेनेंस पे ही फार्मिंग चल रही है। कोई बहुत, अभी आपने कितने फार्म्स देखे हैं जो अगर 2-4 में चीज़ें हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स या मशरूम कल्टीवेशन जो कि अब फील्ड्स आई हैं, उसके अलावा आपने कितना देखा कि कमर्शियल क्वांटिटी पे या कमर्शियल के लिए कोई भी फार्मर उगा रहा हो, वो आज भी सस्टेनेंस के लिए उगा रहा है, अपने लिए उगा रहा है, अपने घर वालों के लिए उगा रहा है। देन डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, मैंने आपको बताया ना आगे ही कहानी में यही हुआ कि जब हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया और आपका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया दबा के,
उससे क्या हुआ, सेलनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो गई सॉइल में, एल्कलाइजेशन हो गया। अब जब सेलनाइजेशन और एल्कलाइजेशन हो गया तो सॉइल क्या हो गई, ख़राब हो गई, अब उसमें कुछ उगता ही नहीं। अब आप जाएंगे अगर पंजाब में, पंजाब में कहीं जगह हालात ऐसे हो गए हैं कि उस ज़मीन पर बिना इंटेंसिव फर्टिलाइजर दिए कुछ भी आप उगा ही नहीं सकते, देन लेस वैल्यू एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए हमने। अरे मान लिया कि भैया आपने कुछ उगाया, ठीक है, मान लिया आपने गेहूँ उगा ली, तो गेहूँ में आप उससे बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, ग्लूटेन फ्री आटा बना दिया आपने, ठीक है, तो वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए हम। देन आज भी टेक्नोलॉजी दो की अब बढ़ रही, देखो आज जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना, अब ये नहीं कि एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स हैं, अब इन क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं सरकार इसको एड्रेस कर रही है तो कुछ चीज़ों में बदलाव भी हो रहा है, बट देन दीज आर दी प्रॉब्लम्स, इस पर आपको वर्क करना है। कुछ वर्क हो गया है, कहीं एरियाज में बहुत ज़्यादा वर्क हो चुका है, कहीं में कम हुआ है, तो बेसिकली उस तरीके से चीज़ें चलती है। देन लेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, है ना, आज भी मैकेनाइजेशन नहीं है। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मिंग के लिए, सप्लाई चेन्स नहीं है, मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, है ना भाई, एक फार्मर को देखा आपने कभी मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हुए, उसे कुछ पता हो नहीं, वो पता होता, ठीक है। देन आज के समय में हम लोग की ट्रेंड्स क्या देख रहे हैं, व्हाट आर द की ट्रेंड्स एक्सपेक्टेड इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। पहला है चेंजिंग डिमांड, हमारे कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं भाई, आज इनकम्स बढ़ी हैं ग्लोबलाइजेशन के चलते, तो क्या हुआ, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं आज के टाइम पे भाई, ग्लूटेन फ्री आटा चाहिए, ग्लूटेन फ्री ये चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए, है ना, मैं को लेट्यूस चाहिए, ये सब क्या है भाई, आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया, तो आदमी भाई मेरे को ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, तो क्या वो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी में स्टडी हुई तो देखा गया कि ठीक है यार आपके लिए ये अच्छा है, ठीक है, आप प्रोसेस फूड मत खाओ, तला भुना मत खाओ, भार का मत खाओ, प्रोसेस आटा खाओ, होल फूड्स खाओ रादर देन पिसा हुआ फूड्स खाने के, मैदा खाने के। देन तो उसने क्या किया, एक चेंजिंग पैटर्न आया भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स भाई, आप पनीर खाओ उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, आप चीज़ खाओ उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, फिश खाओ उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, मीट खाओ वो आपके प्रोटीन का एक सोर्स है, उससे आपकी मसल बिल्डिंग होगी। तो बेसिकली ये क्या है, चेंजिंग डिमांड हो रही है एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, तो उसके लिए क्या है कि आज डिमांड बढ़ रही है हाई वैल्यू ग्रीन्स की या अदर वेजिटेबल्स की, ठीक है। देन रिसर्चेज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई भैया, ठीक है, कस्टमाइज मशीनरी आ गई, एनिमल्स की बनी बनाई फीड आती हैं अब, ठीक है। देन इसी में एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत तगड़ा यूज़ है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन कंपटीशन बढ़ गया, अब जब कंपटीशन बढ़ा है तो देखो चीज़, जब कंपटीशन बढ़ता है तो देखा जाता है कि बेसिकली बढ़िया चीज़ें आती हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स आ गई, है ना, एक्वापोनिक्स आई, तो कॉम्पिटिशन क्या है, यही तो है कि यार प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इनोवेशन लाना है, कुछ नया कुछ करते हैं, कुछ नया मटेरियल देते हैं, तो आपने क्या वो इनोवेशन करी। देन प्रिसीजन फार्मिंग स्टार्ट हो गई भाई, प्रिसीजन फार्मिंग क्या स्टार्ट हुई कि ठीक है यार ये एक पौधा है, इसे सुबह के टाइम पे 0.5 mm यूरिया चाहिए होता है और शाम के टाइम पे 0.5 mm चाहिए होता है। अब जब हाथ से छिड़क रहे हो तो पता लग रहा है 15 छिड़क दिया, 20 छिड़क दिया, चाहिए कितना 0.5 mm। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या होते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ऑटोमेटिक हो गया कि टाइमर लगा हुआ है, जैसे ही सुबह के 5:30 बजेंगे छस छस करके 0.5 निकल गया, शाम को 5:30 बजे छस छस करके 0.5 निकल गया, तो क्या वो जितना उसको चाहिए उतना आपने दे दिया और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और जिस टाइम पे चाहिए वहाँ पे हो रहा है, आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो भी अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप GPS का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, उससे क्या होगा भाई, जब क्या हुआ कि अब खेत कम है, बड़े में तो उगा नहीं सकते, आपने क्या किया, वर्टिकल फार्मिंग स्टार्ट कर दी। अभी मैं कहीं द बेटर इंडिया एक चैनल है, अब जो आज तो सब इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उसे फॉलो करें, बड़ी अच्छी चीज़ ये बताते हैं। तो बेसिकली मैं पढ़ रहा था उसमें कि उसमें घर था 3-4 मंजिला का, वो लगभग लगभग 75 लाख की अर्निंग कर रहे थे उस घर से, उस घर की बालकोनीज पे कुछ कुछ उगा के, हाई वैल्यूज वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब उगा के आप जो है विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज़ ऑफ मोर यू नो कंटेम्प्ररी थिंग्स, वो यूज़ करके वो जो है उसकी इनकम बढ़ा रहे थे। देन नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे आप, ठीक है। देन डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी है, डिजिटल कनेक्टिविटी से क्या हुआ, मार्केट एक्सेस बढ़ गया भाई, ईनैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खुल गया, आज प्राइस डिस्कवरी बढ़िया है, प्राइस डिस्कवरी बढ़िया है एग्रीकल्चर की, कि जो प्राइस एक मार्केट में चल रहा है आपको पता लग जाता है भाई, पता लग रहा, पहले तो पता नहीं लग रहा, कहीं पता लग रहा प्याज 10 रुपये किलो बिक रहा है और कहीं 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो आज फार्मर को पता है कि यार ठीक है वहाँ पे 100 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है यहाँ पे है मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, बट देन तुम मुझे 50 रुपये किलो तो दो। देन रिटेलिंग इन एग्रीकल्चर बढ़ गई, इनफैक्ट ये देखा जा रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के उससे लगभग लगभग
बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएंगे, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आएंगे, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो एक टाइप का नीश मार्केट बन जाएगा। ठीक है, आपने देखा जैसे जियो मार्ट आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब भी एग्रीकल्चर में घुसेंगे। कल को बिग बास्केट है भाई, आपको फ्रेश वो टू होम है, आपका लीशियस है, ये सब क्या करते हैं, आपको फ्रेश चीज़ें ला के देते हैं, क्या बोलते हैं कि हम लोग केमिकल फ्री चीज़ें दे रहे हैं। तो ये क्या है कि कंजम्पशन पैटर्न ऑल्टर हुए, नए स्टार्टअप्स आए या नई एक मार्केट बना, उसको फिलअप करने के लिए नए मार्केट प्लेयर्स आए, और एक आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली जिसने कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करी। देन इम्पैक्ट देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो सबसे पहले तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए भैया, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। बेसिकली पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट्स कोई आज से नहीं कर रहे हैं हम लोग, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे स्पाइसेस, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के स्पाइसेस बड़े अच्छे हैं, ठीक है, इंडोनेशिया चले जाएं उनके स्पाइसेस बड़े अच्छे हैं। तो बेसिकली इंडियन स्पाइसेस जो हैं पहले से ही एक्सपोर्ट होते थे। देन कॉटन का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, है ना, कॉटन वो हमसे उगवाते थे और हम वहाँ बेचते थे। बट देन उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बहुत सारा हमने खाना उगा लिया। अब खाना उगा तो लिया, बट देन उससे हमने सॉइल ख़राब कर ली। अब सॉइल ख़राब कर ली, हमने कहा कुछ नया ला। तो अब जो आज के टाइम पे जो बजवर्ड है वो है जीन रेवोल्यूशन। जैसे जो अब GMOs की बात होने लगी है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बट देन उसका अपना एक, आगे हम पढ़ेंगे कि उसका अपना एक पॉजिटिव नेगेटिव है, उसको जो है जाँच पड़क के ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई आपकी, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई कि भैया ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का तो इफेक्ट है। हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, ये क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं, या टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके इसमें आपके जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जाएंगे तभी करेंगे, ठीक है, या आप फार्मर्स को उनके बारे में अवगत कराएंगे, उनको अवेयरनेस फैलाएंगे कि भैया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें कैसे करें। बट देन आप एक झटके में भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि आज से पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, तो इकोनॉमिकली बैठे। तो कोई भी, यार देखो, कोई भी जो ट्रांजिशन होता है ना, वो बड़ा स्लो होना चाहिए, चाहे वो लाइफ में हो चाहे इकोनॉमी में हो, ठीक है। तो और ये भी ज़रूरत है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो भाई, ऐसा ही नहीं कि आप राइस ही उगा रहे हैं या वीट ही उगा रहे हैं, आप जो है हाई वैल्यू वेजिटेबल्स उगाए। देखो तो कुछ दिनों में जो है ना, जो स्थिति चल रही है देख रहा हूँ, राइस और वीट खाना लोग बंद ही कर देंगे। कभी हफ्ते में दो बार राइस वीट खाएंगे, अभी तो आप तीनों टाइम खाते हैं। कभी हफ्ते में जो कंजम्पशन पैटर्न जैसे ऑल्टर हो रहे हैं, लोग वेजीज खा रहे हैं, लोग प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो चाहे एनिमल बेस्ड हो। तो बेसिकली लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसकी डिमांड साइड चेंज हो रही है। जब डिमांड साइड चेंज होगी तो आपको सप्लाई साइड भी चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लास्ट टॉपिक और एक देख लेते हैं कि इंडिया एक, मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया में एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये याद रखना, इसीलिए फार्म लॉस को इम्प्लीमेंट करने में सेंटर को बड़ी दिक्कत आई और उन्हें वापस लेने पड़े। तो बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं गवर्नमेंट फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। तो देख लेते हैं क्या क्या, एक तो बजट एलोकेशन काफ़ी एनहेंस किया गया है। देन MSP को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा देते हैं कि भाई कुछ फार्मर्स को पैसा हो सके। देन फार्मर से प्रोक्योरमेंट बढ़ा रहे हैं। देन इनकम सपोर्ट देते हैं, जैसे PM किसान, उसमें लगभग 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है, एक टाइप का इनकम सपोर्ट दिया जाता है। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक टाइप की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जिसमें कि बहुत ही प्रीमियम रेट्स पे जो है क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है। अब उस क्रॉप इंश्योरेंस भी जो है बेसिकली क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो बेटर इवैल्यूएशन हो जाता है, बेटर असेसमेंट कर पाती हैं इंश्योरेंस कंपनी के, भाई कितना क्रॉप डैमेज हुआ। आप GIS का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ी है, अच्छी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सॉइल हेल्थ कार्ड्स बने जिससे कि सॉइल के बारे में पता लग सके आपको कि कौन से पौधे हैं या कौन सी चीज़ है जो आप उगा सकते हैं अपने ज़मीन पर, कौन सी आपको आपका सॉइल को सूट करता है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन हुआ है, नीम कोटेड यूरिया का हुआ है, ताकि जो नीम कोटेड यूरिया में क्या होता है, बेसिकली यूरिया आराम आराम से छूटता है, एकदम वो जो है एकदम नहीं मिल जाता सॉइल में। तो क्या होता है कि ज़्यादा समय तक प्लांट यूरिया इस्तेमाल कर पाता है और जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एनवायरमेंट में वो भी कम होते हैं। देन हमने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया हुआ है फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। देन फार्मर्स प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन करते हैं। देन हमारे पास एक नेशनल BN Honey मिशन है, प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना है फॉर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन फंड है, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने के लिए फंड है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे हमारा ज़्यादा ध्यान है। चेंजेस इन डिजास्टर रिलीफ स्टैंडर्ड्स उसमें चेंज कर रहे हैं। ENAM मैंने आपको बता दिया कि फॉर द प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। फार्म लॉजिस्टिक्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं कि इम्प्रूव किया जा सके, जैसे किसान रेल हम लोग चलाते हैं, बेसिकली वो सब्जी लेके जाती है एक जगह दूसरी जगह तक जहाँ पे फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले। देखो आइडिया क्या है कि फार्मर्स की इनकम हमें 2022 तक डबल करनी थी, अब वो हुई या नहीं हुई हम बाद में बात करेंगे, बट देन फार्मर की स्थिति बेहतर हो, एक रिन्यूएबल नैरेटिव
ऑक्यूपेशन बने और जो डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चर पर वो थोड़ी सी कम हो, कम हमें हटाने हैं वहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। देन इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आ रहे हैं बेसिकली बहुत बड़े बड़े। तो उसमें भी क्या होता है भाई, इनकम बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नई नई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये बात थी एग्रीकल्चर की, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप ये हमारा नंबर है स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली हम एक फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं थ्रू आउट द ईयर, आप उसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। और उसके बारे में और जानने के लिए आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और आप हमारे साथ लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आप कुछ बढ़िया करेंगे। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सेफ, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, एंड वी शैल सी यू सून, बाय बाय।